नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, आज इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं पिछले 11-12 साल से मैं इससे जुड़ा हूँ साइड से, लेकिन इसके ऊपर मेरा डिटेल रिसर्च चालू था। एग्जैक्टली ये सही है, गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, आप कोई भी कंपनी में काम करते हो या आप बिजनेस चलाते हो, ये सिर्फ बिजनेस आपके लिए होता है। आप बिजनेस करते हो, आपकी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बेनिफिट होगा, राइट? या जो पैसा दिए हैं इन्वेस्टर्स, इसके अलावा आप किसी को पैसा बना के दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज़ है जो जिसमें आप जितना भी आपकी आजू बाजू वाले हैं, आपकी कंज्यूमर है, कस्टमर, सबको आप पैसा वाला बना सकते हो। वो खाली नेटवर्क कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। रिलायंस भी है, अंबानी जो भी है, वो करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, आपको कितना देते हैं? नहीं देते। या ये नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपको देंगे वो, राइट? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना ऊपर वाला भी कमाए, नीचे वाला कमाए, साइड में कमाए, क्योंकि उससे उनको सबको बेनिफिट होगा। तो मुझे कुछ याद नहीं आता है, मुझे कुछ लगता नहीं इसके अलावा और कोई इंडस्ट्री है जो सबको पैसा बनाने में हेल्प करता है। ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे कंपनीज, फ्रेंचाइजी देंगे, राइट? उनका मॉडल देंगे, वो भी 15-20 लाख दे के उनको मॉडल दे देंगे। कोई भी हो, केक्स है, जो भी, बहुत सारे कंपनीज है जो फ्रेंचाइजी मॉडल देते हैं। इसका भी सक्सेस का कोई गारंटी है नहीं है। सेकेंड, अगर वो देते तो भी कितना लोगों देंगे, 20 फ्रेंचाइजी, 500 फ्रेंचाइजी, बस ना, उससे ज़्यादा लोगों को वो हेल्प नहीं कर सकते हैं पैसा बनाने में। लेकिन एक इंडस्ट्री है वो हेल्प कर सकता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा है कि आपके अंडर में कितना लोग काम करेंगे। 10,000 एम्प्लॉय काम करना है तो आपको कितना बड़ा कंपनी खड़ा करना पड़ेगा, कितना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा, राइट? और इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, राइट? लेकिन एक इंडस्ट्री है जो आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा कंपनी चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिसमें आप जुड़े आपके अंडर में 10,000 लोग, 20,000 लोग आपके नीचे काम कर सकते हैं, जो आपके लिए काम करेंगे, जिससे उनकी जो वो काम है उसको आपको पैसा मिलेगा। आप जो काम करते हो आपकी अपलाइंस को पैसा मिलेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको 2-2 लाख लोग उनके नीचे काम करते हैं, 2 लाख रुपये, 2 लाख लोग, राइट? सो वो तो कम है, उससे भी ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली 50% लोग नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में 1% भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मौका है नेटवर्किंग में आने का, इंडस्ट्री में आने का, राइट? MLM को मैंने MLM ये सब ट्रेनिंग करने में एक चीज़ है, सब लोग समझते हैं कि मैं कर लूँगा, राइट? या 2-4 हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं कर लेंगे, लेकिन सिंपली एक बात है, हम लोग ड्राइविंग करने से पहले खुद तो नहीं करते ना, सीखते हैं, राइट? कहीं पे भी कुछ भी प्रोफेशनल काम करने से, इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल सीखते हैं, सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए 5 साल, उसके बाद ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन नेटवर्क में आते ही आप कुछ सोचते हो, किसी को बुलाते हो, नहीं आया तो गुस्सा हो गया, फिर बोलते हैं ये मार्केटिंग गंदा है, कैसे होगा यार? मार्केटिंग के ऊपर गुस्सा होना नहीं है, इंडस्ट्री के ऊपर गुस्सा नहीं है, आपके ऊपर गुस्सा नहीं, क्योंकि आपको सीखना है कैसे करना है। मेरे वीडियोस आप देखते होंगे, मेरा कितना लाखों व्यूज़ हुआ उसके ऊपर हुआ, व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या करना है ये नहीं मैं बोलता हूँ, ना कि मैं कभी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये भी नहीं बोलता हूँ मैं, राइट? मैं आपको किस तरह से, इस तरह से, मैं जो स्टाइल से बात कर रहा हूँ, यही स्टाइल से नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है उसके रिलेटेड आगे का वीडियोज़ मेरा रहेगा। मेरा पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ऐसे रहेगा। सब लोग समझते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग मस्त हो जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट नॉलेज से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास, मैंने 2 दिन पहले भी एक बिजनेस कोच, उनका बिजनेस से मिला था, बोलता सर हमारे पास ज्ञान देने के लिए, प्रोडक्ट देने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन हमें कस्टमर नहीं मिलते हैं, उनको कैसे दे, तभी तो हम दे सकते हैं ना, हमारे पास इतना ज्ञान रख के क्या करेंगे, इतना अच्छा प्रोडक्ट रख के करेंगे। सो सेम बात होता है प्रोडक्ट नॉलेज, आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट नॉलेज है, लेकिन उसको कैसा देना है, उसको कैसा डिस्प्ले करना है वो आपको आता नहीं है, तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके अंदर ही रह जाएगा, आपके लिए सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने लास्ट में एक बार, अभी 2 डेज बिफोर मैं बैंगलोर में था, तो कुछ डॉक्टर से मिले जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं पूछा आप क्यों नहीं बोल रहे, नहीं, मुझे लोगों को पकड़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे मार्केटिंग करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनको स्किल्स मालूम नहीं है। मुझे एकदम शॉक बात यह है कि कंपनी अभी भी समझती है, कुछ कंपनीज की, उनको प्रोडक्ट नॉलेज हो गया तो बस हो गया। और ये सभी काम यहाँ से अटैच जाएगा। वो कुछ डॉक्टर्स है वो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोगों को पकड़ना अच्छा नहीं लगता मार्केटिंग करना, ऐसा उनका सोच है। तो ये सोच क्लियर करना है, जैसे बातों में कैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी को धक्का देके नहीं, लोग अपने को देके भागना नहीं है, ये सब तरीके से कैसे हम लोग कर सकते हैं वो मैं सिखाता हूँ।
मैं कभी बात किया ये ऐसा गैप है, ये आप क्यों नहीं सिखाते हो, तो मैं एकदम शॉक लग गया। कंपनी की लोग और कुछ लीडर्स हैं वो समझते हैं कि यहाँ पे सेल्स नहीं है, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सेल्स नहीं है वहीं पे तो ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी सब कुछ सामने सेल है तो ट्रेनिंग की जरूरत है। किसी का अप्रोच ये है कि आप इतना बिजनेस करो आपको ट्रेनिंग मिलेगा, मुझे ये आइडिया समझ में नहीं आता है। सिंगापुर एयरलाइंस वर्ल्ड्स नंबर वन, उनको हफ्ते में एक दिन ट्रेनिंग दिया जाता है, हर एक को कंपलसरी हफ्ते में एक दिन ट्रेनिंग जाता है। आप फ्लाइट में देखे होंगे वो लोग एक एक तरीका जो बताते हैं कितना परफेक्ट, कितना सही तरीके से, हर एक कोई भी गुस्सा होता तो भी यू नो बराबर वो बात करते, क्यों ट्रेनिंग। ज़्यादातर मैंने ट्रेनिंग का भी मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे ट्रेनिंग्स होता है यहाँ पे इंडस्ट्री में। मुझे यहाँ पे सब खाली हवा भरने का ट्रेनिंग होता है, आप वहाँ ट्रेनिंग का अटेंड करो, यस मैं कर लूँगा, यस आई कैन डू इट ऐसा, लेकिन करना क्या है वो किसी कोई बताता नहीं है कि क्या करना है एग्जैक्टली जाके। ओके आपको बात समझ में आए तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा दूसरी बात है कि हम लोग देखते हैं वर्ल्ड में बड़े बड़े लीडर्स क्या करते हैं। वर्ल्ड में बड़े बड़े लीडर्स यू नो बहुत इकोनॉमिक्स ऐसा सब नेटवर्क मार्केटिंग का सपोर्ट करते हैं। इंडिया में खाली 1% है, क्योंकि अपना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे हम लोग इतना जल्दी बदलते नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग ने अपने ऊपर राज करके चले गए, क्योंकि मालूम नहीं है ना अपने ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ पता ही नहीं है। अभी भी ऐसे ही है। अभी अब्रॉड में 55% नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम लोग 1% भी नहीं है, और इन लोगों को जब समझ में आ जाएगा तब तक और लेट हो जाएगा। बहुत सारे जैसे रॉबर्ट कियोसाकी है, टोनी रॉबिन्सन, APJ अब्दुल कलाम जी है, और रिचर्ड ब्रांसन, जिन रॉम, ये इतना महा बड़े बड़े व्यक्ति नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, ये लोग सब बोलते हैं क्या वो लोग गलत है क्या? हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। कैसे कंपनी को ज्वाइन करना है, आपने ये भी सुना होगा, अरे ये बंद हो गया, ये घोटाला कर रहे हैं, पैसा मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे कंपनीज हैं। हाँ, जैसे हर जगह पे अच्छे बुरा होता है, वैसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी अच्छा बुरा है, लेकिन मैं आगे का कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह का कंपनीज है आपको जोड़ना है जोड़ने से पहले, क्योंकि अभी हवा किस तरफ चल रहा है, यू नो कौन सा कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, उनके अंदर कंपनी में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, ये सब है तो फिर आप कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सब चीज़ कमिंग डेज में समझते हैं। बस लगे रहिए, मिलते रहिए, बात करेंगे।